वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्क्षीर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, आज हर्ष के विषय है। आपके गांव पर सदा में संत समाज आए हुए हैं। संत देने के लिए आए हैं। क्या देते हैं संत? जीवन जीने की कला। हमारे पास तन है, मन है, वचन है। जीवन के लिए धन चाहिए। तन मन वचन लगा करके धनोपार्जन के लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिससे धन मिलता है। और धन से सबका रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था होता है, अपना भी गुजर होता है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। आपके पास धन कमाते हैं, उस धन को अपने परिवार के अतिथि अभ्यागत आते हैं उसके पीछे खर्च करते हैं। लेकिन इसी के साथ भविष्य निर्माण, ये शरीर सदा के लिए जाएगा, छूटेगा, लेकिन साथ में क्या जाता है? जो कुछ हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य जो कुछ किया जाता है, वही साथ में जाता है। इस जीवन में हमें माता पिता के द्वारा तन मिला, धन मिला, मिला, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं मिली। जीवन किस प्रकार से जिया जाए सुख शांति पूर्वक, माता पिता इसके ज्ञान हमें दिया नहीं, न स्कूल में ही पढ़ाया गया। वह ज्ञान देने के लिए ये संत समाज आते हैं। और हमें जीवन कैसा जीना चाहिए सुख शांति पूर्वक, हमारे पास तन है, मन है, वचन है, धन है, जन है, सब कुछ होते हुए मन अशांत रहता है, दुखी रहता है। दुख का कारण क्या है? हम समझने की कोशिश करें, मेरा कौन है, क्या मेरा है। जैसे इस घर के दादी दादा थे, माता पिता थे, लेकिन आज कहाँ है? आज नहीं है। उनका जन है, उसका धन है, लेकिन वे नहीं है जिन्होंने कमाया। आज हम सब लोग कह रहे हैं हमारा है। एक दिन वे कहते थे कि मेरा है, वे छोड़ के चल दिए। आज हम कह रहे हैं हम भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो ममता है, मोह है, वो रुलाता है, दुख के कारण बनाता है। हकीकत में ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए अपने को जानो। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे,
पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन ये पिंजड़ा है और पंछी आत्मा है जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, मुख बोल रहा है उस आत्मा की सत्ता से, उसी को जानना है। ये पिंजड़ा को हमने माना ये मेरा है, मेरा पिता है, दादा है, चाचा है, चाची है, भाई है, पति पत्नी है, पड़ा रहेगा लेकिन पंछी निकल जाएगा, उड़ जाएगा, वो फिर से पिंजड़ा में नहीं आएगा, एक बार उड़ा तो उड़ा। ते शरीर, जिस शरीर को हम अपना माने हैं वो शरीर भी मेरा नहीं है, न जन भी मेरा है, न धन भी मेरा है, कौन मेरा है, किसके पीछे लगा हूं। इसलिए कुछ समय निकाल करके संत यही बताते हैं, अपने को भी जानो, चिंतन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, कुछ समय बैठ करके खोजो, मेरा कौन है, मेरा क्या, किसके पीछे लगा हूं। रात दिन हम जितना भी कमाएंगे, जितना चाहे कमा लें, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन छूटेगा ना, छूटने वाला कौन है, जिसको लेकर के मैं आया हूं और जिसको लेकर के मैं उड़ जाऊंगा, वो मेरी आत्मा है। आत्मा है, आत्मा अपने आप को लेकर के आता है, अपने आप को लेकर के और अपने आप को लेकर के जाता है, यहां से कुछ नहीं ले जाता, लेकिन ले जाता क्या, जो कुछ भी जीवन में किया है मेरा। इसलिए कहते हैं सद्गुरु ने कहा है, मेरा है मेरा है ऐसा मोड़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वहां पड़ा पड़ा है सड़ता है। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहां है, शव के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहां है। 100 साल के पुराना आपके गांव में कोई आदमी भी नहीं मिलेगा, ना कोई मकान भी नहीं मिलेगा। आज आपकी जगह में यहां पर थोड़ी दूर में शिरपुर है, बुद्ध का अवशेष स्थान है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 2500 साल के आसपास है, खंडहर पड़ा है, वो भी खोदाई पर निकला हुआ है, कहाँ है, 100 साल पुराना, वो तो उतना मजबूत बनाए थे तब कम से कम न्यू दिखाई देता है, और आपके गांव में ही नहीं है। तो इस प्रकार से 100 साल पुराना आदमी है, न 100 साल पुराना आपके घर में कोई वस्तु है, सामान है, न घर है, सब छूटना है। इसलिए समय निकालो सत्संग का, ध्यान का, चिंतन का, 8 घंटा हम 8-8 घंटा बांट लें, 24 घंटा समय है सबके लिए। 8 घंटा आप खेती करते हैं, खूब खेती करिए, दुकान करते हैं, दुकान करिए, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भी करिए। 8 घंटा से अधिक कोई ना कर्मचारी है, ना व्यापारी है, ना किसान है, केवल 8 घंटा। और 8 घंटा से अधिक कोई सोता भी नहीं है, सोता भी नहीं है। 8 घंटा यदि सोने में निकाल दिए, 8 घंटा समय व्यवसाय में निकाल दें, खेती नौकरी व्यापार में, फिर भी 8 घंटा समय बाकी है। उस 8 घंटा समय को आप कहां खर्च करती हैं, प्रपंच में, राजनीति में, अखबार में, टीवी पिक्चर, मोबाइल में, क्या अपने लिए कुछ समय निकालते हैं चिंतन के लिए, मेरा कौन है, मेरा क्या, कभी 1 मिनट खड़ा होकर के चिंतन करते हैं अपने आत्मा के लिए, जरा भी समय नहीं अपने आत्मा के लिए। इसलिए संत वो बताते हैं, अपने आत्मा, आत्मा ही तुम्हारा है,
और कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब छोड़ना है। काहे गर्व करे नर मूरख, या सब दुनिया फानी है, बिनस जाए सपने की माया, जिमे अंजलि सो पानी। अंजलि की पानी की तरह सब छूटने वाला है, इसलिए ना छूटने वाला अपनी आत्मा है। आत्मा को आज शांति मिले और शरीर छूट करके आगामी शरीर धारण करे तो वहां भी शांति का जगह मिले, ऐसा आज का कर्म, ऐसा ही कर्म हो। तो उसके लिए क्या करना है, परिवार में जो कुछ परिवार आज मिला हुआ है मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे माता है, पिता है, चाची चाचा है, पति पत्नी, बेटी बेटा है, इनके साथ अच्छा जीवन जी लूँ। आज ही अवसर मिला है, कल मिले कि ना मिले, ये सब देवी और देवता है। देवी और देवता के समान तरह देखो, समान नहीं, वही है देवी और देवता, असली है। जिस देवी देवता को हम पूजते हैं, अभी 10-11 दिन तक पूजा की है और खूब नाचते हुए ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर में सजा करके खूब नाचते हुए तालाब में डाल दिया। दुर्गा आएगी, दुर्गा को पूजा करेगा 10-9 दिन तक, उसको भी डाल देगा, कहाँ देवी देवता रह गया। असली देवी देवता आपके घर में है, आपके परिवार हैं, माता देवी, पिता देवता, भाई देवता। ये समझे कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, कौन समझे, जैसे पति है, पिता है, बाहर गया है, बाहर से जब आता है घर में प्रवेश होता है, मैं मंदिर में प्रवेश हो रहा हूँ। इस मंदिर के अंदर में दुर्गा का निवास है, दुर्गा का दर्शन होगा, देवी और देवताओं के दर्शन होगा। तो जैसे आप घर में के अंदर में घुसेंगे तैसे वो देवी की तरह, देवी है, आपको शीतल जल देगा, मीठे वचन देगा, बैठने के लिए जगह स्वच्छ देगा, स्वच्छ सैया देगा, स्वच्छ कपड़ा देगा। क्या वो देवी दुर्गा जो भी हम पूजते हैं वो देता है, कुछ भी, कुछ भी देने वाला नहीं। असली देवी देवता आपके घर में। देविया समझे कि आज हमारा शंकर भगवान है, देव है, बाहर गए हैं, आता होगा, उनको हम कैसे सुख शांति पहुंचाएं। आते ही उसे वह जो देवता है ठंडी से, गर्मी से, बरसात से पीड़ित होकर के आ रहा है, आते ही उसे यदि घर के देवियां हैं शीतल जल, मीठे वचन और स्वच्छ कपड़ा, ताजा भोजन देता है, उसका दिल कितना भर जाता है। तो किस रूप में देखें, जो बाहर से आने वालों को, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, देवी और देवता के रूप में देखें। और घर में प्रवेश होते हैं तब मैं मंदिर में प्रवेश हो रहा हूँ, यहाँ जो भी निवास कर रहे हैं सब देवी और देवता है। आज मिला है, पता नहीं कल मिले कि ना मिले, क्या भरोसा, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप सब आपके घर में देख चुके हैं, आपके दादा, आपकी दादी, आपके बड़े पिताजी, बड़ी माँ, सब यहाँ से छोड़ छोड़ करके गए, क्या लेकर के गए। हमें चिंतन करना है, चिंतन की गहराई से सोचना, इसलिए अपने आत्मा के लिए कुछ समय निकाला कर, कुछ समय निकाला करो। संतों से आपके दादा ने, आपके पिता ने जोड़ दिया है, जोड़ करके गया है। हम नहीं जानते थे कि यहाँ कोई दानी है, हम नहीं जानते थे कि यहाँ हमारा दो रोटी के जगह मिलेगा, निवास के लिए छाया मिलेगा, कुछ भी नहीं जानता था। अचानक उसके दसगात्र के समय हुआ तो कुछ दिन पहले संदेश गया, कार्ड आ गया, वहाँ आपको जाना है। वहाँ तो मेरा कोई परिचय के नहीं, नहीं हमारे दादा ने, हमारे पिता ने ये कह कर गए, वहाँ आपके लिए जमीन भी दे करके गए हैं, कोई परिचय नहीं था। तो आपके दादा ने
आप संतों से एकदम बांध करके गए हैं, दे करके गए हैं, बिल्कुल जोड़ करके गए हैं, तो सकरी ज्यादा दूर नहीं है। आज सकरी नहीं गए होते, नहीं दिए होते, तो संत यहां तक आ रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं, और आप जा रहे हैं, बंधे हैं, आप तन से मन से वचन से धन से सेवा भी कर रहे हैं, आपको सेवक भी अवसर नहीं। आप कहां कहां बंधे हुए थे, किन गुरुओं में बंधे थे, किस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, लेकिन आई घर के दादा ने पिता ने ऐसे रास्ता को परखा, पारक ज्ञान हुआ, तभी आपको पारक सिद्धांत की ओर उन्होंने मोड़ करके गया, सब कुछ बता करके गया। तो इस प्रकार से उनका दिल था, मेरे पुत्र है, मेरे बहू है, मेरा नाती नतनी है, नाती बहू है, अब भटके मत, मैं भटका सो भटका, लेकिन मुझे जब ज्ञान हो गया बुढ़ापा में, अच्छे रास्ता मिल गया है, तो मेरा बेटा बहू नाती नतनी सब कोई इसी रास्ता में चले, यही रास्ता अच्छा है, हाईवे रास्ता है, बढ़िया रास्ता मिल गया है। इस प्रकार से आप सबको आपके पिता ने दादा ने रास्ता बता करके गए हैं, उस रास्ता पर आप लोग चल रहे हैं, तो कुछ समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए, घर में भी पाठ करो, बीजक है, बीजक का सब कोई एक घंटा बैठ करके पाठ किया करो, भोजन के पहले अथवा भोजन के बाद एक घंटा समय निकालो। अभी भले भोजन भंडारा अलग अलग भले है, लेकिन परिवार आंगन एक है, एक जगह यहाँ पर बढ़िया पूजा का स्थल है, चाची चाचा है, भाई लोग है, तीनों भाइयों में एक साथ बैठ करके, बहुओं में भी बैठ करके भजन कीर्तन रोज होना चाहिए। एक घंटा मात्र समय दान दो, तो वो समय दान नन्हे मुन्ने बालक बालिका जो यहाँ जन्म ले रहा है उनको संस्कार मिलेगा। ये महाविद्यालय भी है, देव मंदिर ही नहीं, संस्कारालय भी है, ये महाविद्यालय भी है, यहाँ पढ़ाई है, माता पिता का कर्म होता है और बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, इसलिए जो आप करते हैं नन्हे मुन्ने बालक और बालिका को संस्कार मिलता है, वो भी जहाँ जाएगा उसको सुख शांति से जीवन जीने की कला मिलेगी। जैसे आपके घर में बहुएं आई है, वे भी अच्छे शिक्षित परिवार से आई है, और आज किस प्रकार से सुख शांति पूर्वक जीने का अनुभव मिल रहा है ऐसे घर में आकर, तो वही ज्ञान वही कला आपके बच्चों को भी मिलना चाहिए। इसलिए बच्चों पर दया करें, वृद्धों पर दया करें, वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से, आनंद महकेगा गुलाब के गुच्छों से, आए अतिथि संत गुरु का सत्कार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग का द्वार कहाँ है, कहीं अलग जगह है, खोजोगे दुनिया में संसार में कहीं नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग का दरवाजा आज आपके दरवाजे घर में खुला है, परसदा में खुला है। कहाँ खुला है, चम्मन लाल जी के घर में खुल गया है दरवाजा। वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से, आनंद महकेगा गुलाब के गुच्छों से, आए अतिथि संत गुरु का सत्कार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है, और स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा, न कहीं नरक है। जिस घर में मांस मदिरा, गाली गलौज, तू तू मैं, सास बहु में, देवरान जेठान में, भाई भाई में, एक रोटी के लिए, एक धोती के लिए, एक जमीन के लिए होता है, वही नरक है। नरक खोजना जाओ देख लो, गांव गांव में, घर घर में नरक, स्वर्ग खोजना पड़ेगा गांव भर में, तो अमुक जगह अमुक के घर स्वर्गीय घर है, ये कोई बताएगा, गांव वाले भी बताएगा। तो इस प्रकार से हम सबको जीने की कला संत देते हैं। आपके पास तन है,
धन है, छाया है, सब कुछ है, लेकिन जीने की कला देने के लिए ही ये संत समाज आए हैं। कैसा जीवन जीना चाहिए? धन कमाते हैं लेकिन धन का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। धन का सदुपयोग करें, सही दिशा में खर्च करें। अब वो खर्च करके इस घर के पिता ने बता करके गया, रास्ता खोल करके गया, दरवाजा तिजोरी का दरवाजा खोल दिया, ताला लगाना छोड़ दिया तिजोरी में और छोड़ करके चल दिया। अब हम सबका उसका उपयोग करना है, उपयोग करना है। इसलिए अवसर बहुत सुंदर मिला है संत समाज से जोड़ने का, जोड़ के गए हैं। अब हम लोग अच्छी तरह से जुड़ें और मेरा आप सब से पूरा परिवार से निवेदन यही है, विचार यही, सलाह यही है कि एक घंटा समय दान दिया करो। समय निर्धारित हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कभी भी हो, सब इकट्ठा हो जाएं और एक घंटा बीजक का पाठ होना चाहिए सदगुरु कबीर के। नित भटकाने वाले बहुत ही गुरु लोग घूम रहे हैं, तुम्हारा सब रोग समाप्त हो जाएगा। अमुक जगह चलो, अमुक पूजा पाठ करो, अमुक गुरु से जुड़ो, अमुक देवी देवताओं का उपासना करो। ये भटकाने वाला बहुत गुरु मिलेगा। इसलिए गुरु कबीर का जो रास्ता है, संदेश है, वह हम सबको गुरु के द्वारा, हमारे माता पिता दादी दादा के द्वारा मिल चुका है। अब हम रास्ता पर चलना है, चलते हैं तो उस रास्ता को बरकरार रखने के लिए एक घंटा समय दान आप सबसे लिया जा रहा है। आप लोग तन समय देते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन इसी के लिए आप लोग समय दान और दिया करें। एक घंटा समय निकाल के पूरा परिवार, बाल बच्चे भी और घर के मुखिया लोग भी कहीं बाहर जाते काम में नहीं, हमारे घर का नियम है 7 बजे पहुंचना, 7 बजे घर में पहुंचना, एक घंटा वहां पर घर में सबको, सब हम पूजा पाठ करते हैं। दुर्गा गणेश का पूजा केवल 10-12 दिन का होता है और आपके घर में दुर्गा गणेश का पूजा रोज 12 महीना होना चाहिए। 2 अगरबत्ती जला करके वृद्धों की आरती कर लें, बैठा लें, आपस में भजन सत्संग ध्यान चिंतन सब होना चाहिए। बस स्वर्ग का फाटक खुल गया, शांति ही शांति और सब कुछ छुटके छुड़ेगा, कुछ भी साथ जाएगा नहीं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए आज संकल्प लेने का सुंदर अवसर हमें मिला है, तो उस रास्ता को बताने वाले इस संत समाज आए हैं, उस रास्ता पर चले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। अरे काया का गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। चाह तेरा होता नहीं, लिखा भाग का होना है। मेरा और तेरा छोड़ जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। अरे दौलत का गुमान न कर, ये तो हाथ का मैला है। राजा है तो रंक कोई, सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, कब पल में पलट जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं
कब मौत आ जाएगी। अरे रिश्तों का गुमान न कर, दुनिया से तो आस न कर, तरना है तो भव सागर तर, गुरुदेव का सुमिरन कर, भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरी तेरे साथ नहीं जाएगी। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, बोलिए सत गुरुदेव की।